नमस्कार, लक्ष्मी खाना खजाना में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? लक्ष्मी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, लोकी को कोई खाना पसंद नहीं करता, यानी बच्चे तो खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, बड़े भी कम ही पसंद करते हैं। तो हमने सोचा आज लोकी का कुछ अच्छा सा नाश्ता बना देते हैं ताकि बच्चे बड़े सभी खुश होके खा लें। तो फ्रेंड्स, हमने लिए ये एक लोकी, इसे हम पहले आधा कट कर लेते हैं क्योंकि हमें आधी लौकी ही चाहिए। और अब इसे छील लेते हैं, कुछ इस तरह से पूरी लौकी को छील लेंगे। लौकी को हमने छील लिया है, अब इसके टुकड़े कर लेते हैं। लौकी पक्की न लें, कच्ची लें, इस तरह से सारे टुकड़े कर लेंगे। ये हेल्दी भी होती है और इसकी जो हम डिश बनाएंगे वो हेल्दी और टेस्टी दोनों ही होगी। कप से हम ये 2 कप लौकी चाहिए, हम लौकी को इसमें ऐड कर देंगे मिक्सी के जार में। ये 2 कप लौकी इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप सूजी। सूजी बारीक मोटी आप कोई सी भी ले सकते हो। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप दही। दही खट्टा न लें, खट्टे दही से हमारी डिश अच्छी नहीं बनेगी। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इसे पीस लेते हैं। इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे ताकि हमारी लौकी अच्छी तरह से पीस जाए। ये देखिए, हमने इसे अच्छी तरह से पीस लिया है, एकदम स्मूथ सा पेस्ट बनके रेडी हो गया है। अब हम इसे बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। हमने जार को धो के भी पानी निकाल लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 चम्मच अजवाइन और इसे मिक्स कर देंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। हम बच्चों के लिए बना रहे हैं इसलिए हमने इसमें हरी मिर्ची ऐड नहीं की है। यदि आप बड़ों के लिए बनाओ तो आप इसमें हरी मिर्ची ऐड कर सकते हो। और अब बैटर को थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। हमने इसमें 1/2 कप जितना पानी ऐड किया है ताकि हमारा बैटर कुछ इस तरह से हो जाए। ये एकदम परफेक्ट है बनाने के लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/3 चम्मच जितना चिली फ्लेक्स और 1/3 चम्मच जितना ही सोडा बाइकार्ब, जिससे हमारा जो हम डिश बनाएंगे वो एकदम सॉफ्ट सी बनेगी। ये एकदम बनके परफेक्ट हो गया है बैटर जो हमें चाहिए। अब हम चलते हैं गैस की ओर। ये लिया है हमने नॉनस्टिक तवा और गैस को ऑन कर दिया है। तवा भी हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें हमने जो बनाए थे मैंने छोटे छोटे इस तरह से राउंड राउंड सा शेप देके छोटी छोटी पूड़ी जैसा बना लेते हैं। एकदम टेस्टी और हेल्दी लौकी, धनिया, ये सब सारी चीजें डाली हुई है तो ये हेल्दी तो है और बच्चे नहीं खाने वाले भी इसे खा लेंगे। अब इसके ऊपर हम फटाफट से ऐड कर देते हैं थोड़े से प्याज, थोड़े से टमाटर, थोड़ी सी शिमला मिर्ची,
और इन्हें ढक्कन लगा देते हैं कुछ इस तरह से। ये फूल गए हैं, अब इन्हें पलट देते हैं। अभी हमने इसके ऊपर तेल वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है, इन्हें हमने पलट दिया है। अब हमें इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा तेल लगा देते हैं। एकदम कम तेल में बनने वाला हेल्दी सा नाश्ता है, जो आप बच्चे को कभी भी बना के दे सकते हो और बड़ों के लिए भी बना सकते हो। इन्हें वापस पलट देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लग रहे हैं ना एकदम अच्छे से। अब इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा हरा धनिया भी स्प्रिंकल कर देते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज, क्योंकि चीज देख के बच्चे एकदम खुश होके खा लेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा हमने इसको किससे बनाया है। थोड़ा थोड़ा चिली फ्लेक्स और इन्हें वापस रख देते हैं। जब चीज मेल्ट हो जाएगी फिर हम इन्हें सर्व करेंगे। गैस को रखेंगे लो टू मीडियम, ताकि हमारे जो हम डिश बना रहे हैं वो जले नहीं। एक मिनट हो गया है और चीज भी मेल्ट हो गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे अच्छे से पिज्जा, यानी कि इस तरह से हम बना के बच्चे को पिज्जा की जगह ये भी दे सकते हैं, जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। आप इसे टिफिन या नाश्ते में शाम की चाय के साथ कभी भी बना के खा सकते हो। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे जो भी नए वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। और हमारे ये मिनी पिज्जा खाके कमेंट जरूर करें। अब इन्हें निकाल लेते हैं और बाकी सभी भी बना लेते हैं, फिर हम इन्हें गरम गरम सर्व करेंगे। वापस दूसरा बेस भी बना लेते हैं। अब इन्हें इस तरह से सर्व करते हैं। लग रहे हैं ना एकदम अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, एकदम सॉफ्ट और एकदम टेस्टी सा बना है। ये देखिए,